बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर गोगो एवन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। और एजुकेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है नॉलेज, मतलब हमें नॉलेज लेने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम एजुकेशन कहते हैं। लेकिन नॉलेज के बारे में बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है एंड नॉलेज के बारे में एग्जैक्टली जानकारी आज हम लोग लेंगे। नॉलेज मतलब एग्जैक्टली है क्या? हम कहते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, इसमें से हमें नॉलेज मिलता है। लेकिन क्या दोस्तों इसमें से हमें नॉलेज मिलता है? नहीं, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस है। ये इंफॉर्मेशन गैदर होने के बाद में जब हम उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं या फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो उसके दो कंक्लूजन निकलते हैं, आइदर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या फिर अनसक्सेसफुल होता है। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो हमें क्या करना है इसका नॉलेज मिलता है, एंड अगर अनसक्सेसफुल रहा तो क्या नहीं करना है इसका नॉलेज मिलता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसको जब तक हम प्रैक्टिकली लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं या फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होती है। एंड तो इसीलिए जिंदगी में एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ही जरूरी है, और जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे तभी हम नॉलेजेबल बन सकते हैं, तभी हम लोग नॉलेज को पा सकते हैं। जब यहाँ पे मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है क्या सच में gogoeven.com के पास में, टीम के पास में या पर्सनली श्रीकांत शिंदे इनके पास में सच में नॉलेज है या नहीं। तो पीछे हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या क्या है एंड क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन आगे की बातों के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं।